अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। सच्चाई को कितना भी छुपा कर रखा जाए, एक ना एक दिन सच बाहर आ ही जाता है। हाल ही में आई ASI की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में मिले अवशेषों से ये स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करने के दौरान यहाँ के कई मंदिरों को तोड़ा था और उस पर मस्जिद खड़े कर दिए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से सर्वे के माध्यम से जितने भी पुराने हिंदू मंदिर मस्जिद के नीचे दबा दिए गए थे, अब सबके प्रमाण सामने आने लगे हैं, चाहे वो अयोध्या की राम जन्मभूमि हो या फिर बनारस का ज्ञानवापी। भारत में मंदिर के अवशेषों का मिलना तो समझ में आता है, लेकिन इस्लाम के जन्मदाता सऊदी अरब जैसे देश में भी जब सदियों से दफन धार्मिक इतिहास अपनी कब्र से बाहर आने लग जाए तो ये बात सबको हैरान करने वाली है। दरअसल सऊदी अरब में भी अब देवियों की पूजा शुरू हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरब जैसे कट्टर इस्लामिक देश में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना कैसे संभव है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सऊदी अरब जैसे देश में देवियों की पूजा शुरू होने के पीछे क्या सच्चाई है। आखिर कौन है ये तीन देवियाँ? कहीं ये इस्लाम के अंत का आरंभ तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। इतिहास को चाहे कितना भी नकारा जाए, लेकिन एक ना एक दिन वह इतिहास हमारे सामने हमारा वर्तमान बनकर खड़ा हो जाता है। आजकल इस्लामिक देशों में भी ऐसा ही हो रहा है। जिस सऊदी अरब में इस्लाम की शुरुआत 360 मूर्तियां तोड़ने के साथ हुई थी, आज फिर से इस देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः जीवित करने की बात की जा रही है। अपनी एक वीडियो में मैंने इस्लाम के अंत की शुरुआत से जुड़े कुछ ठोस प्रमाण दिए थे। इस्लाम के अंत की शुरुआत से जुड़े कुछ प्रमाणों में से एक प्रमाण ये भी है कि सऊदी अरब में अब वहाँ की प्राचीन देवियों की पूजा शुरू हो चुकी है। हाल ही में पोस्ट किए गए इन ट्वीट्स को देखिए। इसमें प्राचीन अरब संस्कृति की देवी अल उजा के बारे में कहा गया है। इनमें स्पष्ट हो रहा है कि इस्लाम की जन्मभूमि सऊदी अरब में इन दिनों अपनी पुरानी संस्कृति को वापस लाने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस्लाम के आने के पहले सऊदी में भी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें तीन देवियां मुख्य हैं। इन त्रिदेवियों के नाम हैं अल्लात, अल उजा और मनात। देवी अल उजा, अल्लात और मनात की पूर्व इस्लामिक अरब में व्यापक रूप से पूजा की जाती थी। उत्तर में नबातियन पेट्रा से लेकर दक्षिण में अरब फेलिक्स के प्रसिद्ध साम्राज्यों तक, पूर्व में ईरान और पलमायरा तक, ये तीनों मोहम्मद के समय से पहले मक्का की लोकप्रिय देवियां थीं। इस चित्र में बाएं हैं अल उजा, जिनके नाम का अर्थ है शक्तिशाली। इसके बाद हैं अल्लात, जिनके नाम का अर्थ है देवी, और तीसरी है मनात, यानी भाग्य या समय की देवी। ये देवियां सनातन धर्म में पूजी जाने वाली त्रिदेवियों सरस्वती, दुर्गा और काली के समान है। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण सऊदी अरब में ये तीन देवियां भुला दी गईं और इनकी पूजा बंद हो गई। इन देवियों का स्थान अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद ने ले लिया। पिछले दिनों सऊदी अरब में एक बहस चल रही थी जो अब अरब वासियों के लिए उत्सुकता और आस्था का भी सवाल बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर प्राचीन अरब के देवी देवताओं की वापसी के लिए प्रचार और आह्वान किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष नवंबर में एक ट्विटर यूजर ने प्राचीन अरब देवी अल उजा की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की थी। इन फोटोज में सऊदी अरब के म्यूजियम में प्रदर्शित देवी अल उजा की प्राचीन मूर्ति के आसपास लोगों को दिखाया गया है। इस ट्विटर यूजर ने लिखा है कि अतीत से भविष्य तक अल उजा हमेशा मौजूद हैं। हम सऊदी अरब वासी अपने अतीत से गहराई से जुड़े हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मुसलमान हैं या नहीं, यह एक अरबी इतिहास है। सऊदी सरकार प्राचीन अरब देवताओं को इतना महत्व देती है क्योंकि हमारा अतीत हमारे भविष्य का एक हिस्सा है। दरअसल सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने ये घोषणा की है कि वे इस्लाम को खत्म करके अपने पुराने धर्म को वापस लाएंगे। इसी कड़ी में अब वहाँ की प्राचीन देवियों अल्लात, अल उजा और मनात की पूजा फिर से शुरू की जाएगी। अब इस बात से बहुत सारे कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई है और वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को बुरा भला कह रहे हैं।
लोग कह रहे हैं कि हम लोग इन अरब लोगों की नकल करके ही दीन के रास्ते पर चले थे। पहले तो इन्होंने सारे बुत गिरा दिए और अब खुद ही बुत परस्ती कर रहे हैं। ये शुरुआत अच्छी बात नहीं है। इन लोगों के अनुसार सलमान राष्ट्रवाद और विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथी कहते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिर से उसी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं जो संस्कृति इस्लाम की आंधी में दफन हो गई थी। हालांकि सऊदी के ज्यादातर युवा मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं। वहां के युवा इस्लामिक कट्टरपंथियों को कोस रहे हैं। युवाओं के अनुसार 1960 के दशक में जब सऊदी में पुनर्जागरण हुआ, तब सऊदी में इस्लाम से पहले के इतिहास को कोई मान्यता नहीं दी गई और न ही इस इतिहास के महत्व को समझा गया। दरअसल 1960 के दशक में आरंभ होने वाली एक नई राजनीतिक विचारधारा को सहवा मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें इस्लामिक देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, मिस्र इत्यादि ने भाग लिया था। सऊदी अरब के कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सहवा मूवमेंट के दौरान इस्लाम के पहले के इतिहास को मान्यता न देने का आरोप भी लगाया है। इन यूजर्स के अनुसार अल्लात, अल उजा और मनात नामक इन तीन देवियों की महत्ता को जानबूझकर नकारा गया, जिससे कि सऊदी का असल इतिहास मिट जाए और इसकी पहचान एक कट्टर इस्लामिक देश के रूप में बनी रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किन मूर्तियों को नष्ट किया गया और कौन है अरब की वह तीन देवियां जिन्हें दफन करके इस्लाम खड़ा किया गया और बाद में विरोध होने पर उन्हें अल्लाह की बेटी तक बता दिया गया, और अब 1400 साल बाद फिर से उन मूर्तियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। देखिए कि कैसे सनातन धर्म भी कभी अरब की संस्कृति को प्रभावित किया करता था। सऊदी भाषा में जिस प्रकार अल्लाह पुरुष देवता को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार देवियों में अल्लात सबसे शक्तिशाली और पूजनीय देवी मानी जाती थी। अल्लात का मंदिर मक्का शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर तायप में स्थित था। अल्लात के मंदिर को भी काबा के जैसा ही पवित्र माना जाता था। कुछ अरबों का यह भी मानना है कि देवी अल्लात अल्लाह की बेटी है। इसके अलावा दो और देवियां थीं, मनात और अल उजा। इन तीनों देवियों का मंदिर मक्का के आसपास ही स्थित था और तीनों की पूजा काबा के भीतर ही होती थी। सभी अरब वासी इन तीनों देवियों की पूजा किया करते थे, जैसे सनातन परंपरा में तीन देवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इन देवियों की फोटो में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि एक देवी शेर की सवारी कर रही है। ये सनातन धर्म में पूजनीय माँ दुर्गा के समान है। सऊदी अरब में इस्लाम के उत्थान से पहले इन्हीं तीन देवियों की पूजा की जाती थी। देवी मनात को मानने वाले ओस और खजरा नामक कबीले के लोग उनके आगे चढ़ावा चढ़ाते थे और हज भी किया करते थे। अगर आप हज शब्द के इतिहास को देखें, तो हज शब्द दरअसल यज शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। अर्थात यज्ञ शब्द से ही हज शब्द की उत्पत्ति हुई है। आज भी यज्ञ यानी यज और हज में पहनने वाले कपड़े एक जैसे होते हैं। उस दौरान जो लोग देवी मनात के हज पर जाते थे, वे हज के अंत में मक्का और मदीना के बीच कुदस नाम के स्थान पर जाते थे, जहां देवी मनात का मंदिर स्थित था। वहां जाकर ये लोग अपना मुंडन कराते थे। ये अपना हज तब तक पूरा नहीं मानते थे जब तक देवी मनात के मंदिर में जाकर मुंडन की परंपरा को पूरा नहीं करते थे। इसी तरह कुरैश नामक कबीले के लोग अल उजा नामक देवी की पूजा किया करते थे। कुरैश वही कबीला है जिसमें पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। देवी अल उजा का मंदिर भी बना हुआ था, जिसको बुश कहा जाता था। ये भी माना जाता है कि कुरैश कबीले के लोग अल उजा के मंदिर में जाकर वहां के पुजारी के द्वारा देवी से अपना भविष्य जानते थे। सऊदी अरब का इतिहास इन्हीं तीन देवियों तक सीमित नहीं है। उस दौरान अरब देशों के कबीलों के अपने अपने कुल देवता और कुल देवियां भी हुआ करती थीं। ये बिल्कुल भारत के जैसा ही है, जहां आज भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अल्लात, मनात और अल उजा को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था और हज की परंपरा भी सबके लिए थी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर वह तीन देवियां कहां गई या कैसे उन देवियों का अस्तित्व समाप्त हुआ। दरअसल इब्न अल कल्बी उल उस्मान शेख की किताब में लिखा है कि मक्का पर विजय प्राप्त करने के तुरंत बाद मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने सबसे पहले इन तीन देवियों के मंदिरों को नष्ट किया, क्योंकि इस्लाम का आरंभ इसी विचार के साथ हुआ था कि
कि अल्लाह अकेला ईश्वर है और उसका कोई साथी नहीं है। इसलिए इस्लाम को सबसे ज्यादा खतरा इन तीन देवियों से ही था। मक्का पर विजय प्राप्त करने के बाद इन तीन देवियों के सभी मंदिरों को मोहम्मद के अनुयायियों ने तबाह कर दिया और उनकी मूर्तियों को भी क्षति पहुंचाई। अरबी लोगों के दिमाग से हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और आस्था को नष्ट करने के लिए मूर्तियों को तोड़कर दिन में 5 बार नमाज और अजान के चलन को बढ़ा दिया गया, जिससे अरबवासी अपनी पुरानी संस्कृति को भूल गए और समय के साथ अरब देश इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर चल पड़े। हालांकि समय के साथ सऊदी अरब भी अब उदारवाद की ओर बढ़ रहा है। प्राचीन देवी देवताओं की पूजा आरंभ करने का ये निर्णय इस बात का इशारा कर रहा है कि अरब देशों पर अब इस्लाम की पकड़ ढीली पड़ रही है। अपनी सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने का सऊदी अरब का ये फैसला निश्चित ही सराहनीय है और पूरे विश्व के हित में है। आप भी अपने विचार कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।